भाई फ्यूचर फाइट हिंदी इंडिया तो जो शुरू करता है, तो इसके पहले मेरे को कोई फैमिली मेम्बर डिस्टर्ब करे मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे को थर्ड पार्टी बीच में आकर डिस्टर्ब करे। तो बिना अपना टाइम वेस्ट किए जल्दी शुरू करते हैं। माइक थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आवाज़ प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रहा होगा इसके मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम जाएंगे इवेंट कॉस्ट में। तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई इवेंट कॉस्ट कैसे क्लियर करना है वो थोड़ा बता दो, तो मैं उसी के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो यहाँ पर मैं असेंबल पॉइंट सेंड करना है, डिमेशन मिशन 10 टाइम्स क्लियर करना है, इक्विप उरू या ओडिन ब्लेसिंग्स उरू एक सेट करना है, इक्विप करना है, उसके बाद में इक्विप ऑब्लिस करना है जो कि कल ही हम लोगों ने चैलेंज कम्प्लीट कर लिया, उसके बाद में आईसोट सेट बोनस हॉका सेट करना है जो कि हमने कल ही कर लिया, उसके बाद में एंग्री ऑफ हल्क जो भी कल करना था मतलब आज भी कर सकते हो, कर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज भी कर सकते हो, उसके बाद में आईसोट ऑफ ओवरड्राइव वो भी कंप्लीट करना है। तो आज करो कल करो कब करना है करो, तो वो कंप्लीट होने के बाद में ये सब चैलेंजेस कंप्लीट करने पड़ेंगे ऊपर के जो कि लिखा हुआ है गो टू के। तो अभी हमें करना है आयरन मैन को यूज़ करना है वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट में, तो यहाँ पर मैं वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट में जाऊँगा मैं और कुछ सेटिंग कर लेता हूँ पहले, और आयरन मैन को स्पेशली लेना याद से, नहीं तो चैलेंजेस बेकार हो जाएगा, ठीक है, और रिवॉर्ड जो है हाथ से निकल जाएंगे। तो मैं किसी भी हालत में किसी भी प्लेयर्स का नुकसान नहीं चाहता, आयरन मैन को सिलेक्ट करना है और उसको ले जाके वहाँ पर मैं प्ले करना है। मैं जा रहा हूँ अंदर में, आयरन मैन को सेलेक्ट कर दूँगा और कोई एक टीम लेता हूँ जिसमें आयरन मैन अच्छे से फिट हो जाए। वांडा कोई, हाँ तू अड़ जा, तेरे जगह पे आयरन मैन जाएगा अभी, ब्लास्ट कैटेगरी का आयरन मैन, और आयरन मैन को मैं ले जाता हूँ, ये लेके जाता हूँ और पिटाई करके वापस आता हूँ। मैंने गोसाडा TA3 किया है, वेनम TA3 किया है, अभी 6th एनिवर्सरी में मिला था इसलिए, तो उन कैरेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा मालूम नहीं, देखना पड़ेगा। आई होप आवाज़ सही से जा रही हो। ईयरफोन लगा रखा है इसलिए थोड़ा आवाज़ ऐसे आएगा, और मास्क पहन रखा है मैंने इसलिए थोड़ा आवाज़ जो है वो तुमको सांस का लेने और ब्रीथ करने की जो साउंड है वो तुमको महसूस करेगी साउंड में। क्या बात है क्या बात है, अच्छा खेला रमन। ज़्यादा कुछ खास रिवॉर्ड नहीं दिया, वही वाला दिया। ओके अगले वाले इवेंट में जाते हैं, अगला वाला जिसमें हमें आगे का चैलेंजेस कंप्लीट करने हैं, जैसे कोऑपले का 25 बार, उसके बाद में डिमेंशन मिशन डिस्पैच मिशन जो है उसको 5 टाइम्स क्लियर करना है। तो हम लोग जाएंगे वहाँ पर, मैं लो स्टेजेस लेंगे, ओके, एक के बाद एक रिवॉर्ड मिलते जा रहा है। यहाँ पे क्वांटिटी काफ़ी कम है, मंडेला जंप फ्रेगमेंट एक ही मिला है क्वांटिटी में, दिखा इतने सारे हैं लेकिन दे इतने सारे हैं। आगे का सेक्टर मैंने खेला ही नहीं है क्योंकि उसके लिए मेरे पास में टाइम नहीं है और मैंने एफर्ट डाला भी नहीं है। आगे के स्टेजेस के लिए एफर्ट डालूंगा मैं बाद में, अभी फ़िलहाल मुझे उस चीज़ पर फोकस करना है जिसकी चीज़ के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ। तो हम लोग वो कैरेक्टर सेलेक्ट करेंगे जिससे हमें पावर एबिलिटी मिलती हो, तो देखते हैं दो कैरेक्टर क्या कमाल करते हैं। हमें 5 बार खेलना है तो 5 बार स्टार्ट कर देता हूँ और ये ऑटोमेटिकली होता रहेगा और साइड में मैं बात करता रहूँगा। हाँ तो मेरे भाइयों और बहनों, तो बहुत से लोगों के क्वेश्चन ये थे कि भाई 6-star Mega Rank टिकट मिलने वाला है 7 डेज़ के बाद में, मतलब 7 डेज़ के बाद में जब हम लोग लॉगिंग करेंगे तब मिलेगा।
तो अभी करना क्या है, तो अभी करना क्या है, मैंने ईयरफोन हाथ में लिया है इसलिए थोड़ा साउंड अगर अजीब आ रहा होगा तो माफ़ी चाहता हूँ। तो अभी करना क्या है, अगर 6 स्टार मेगा रन की टिकट आती है हाथ में तो करना क्या है? देखो करना कुछ नहीं है, खाली बस इतना ध्यान में रखो कि तुमको जो है वो 6 स्टार मेगा रन के टिकट को संभाल के रखना है इमरजेंसी के कंडीशन के लिए, और उसका बिल्कुल भी मिस यूज़ नहीं करना है। मतलब कैसे अरे गहरे नट्टू गहरे कैरेक्टर पे इस्तेमाल नहीं करना है। मेन चीज़ भी दूसरी एक चीज़ है ये कि ऐसे आलतू फालतू कैरेक्टर पे कभी भी इस्तेमाल मत करना। मतलब जैसे हमें पता है कि उस कैरेक्टर के बायोमेट्रिक्स स्टेजेस में दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने गलती से 6 स्टार मेगा रन के टिकट उस कैरेक्टर पे इस्तेमाल कर दी जल्दबाजी में, या हमें इमरजेंसी लगा, या हम भावना में बह गए, ऐसा समझ के समझो हमने स्टेजेस में या किसी कैरेक्टर के ऊपर में 6 स्टार मेगा रन के टिकट का इस्तेमाल कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहता किसी का भी ऐसा हो, किसी का भी लॉस हो। तो हमें अभी करना क्या है, हमें 7 डेज तक वेट करना है। 6 स्टार मेगा रन के टिकट 7 डेज में लॉगिंग करने के बाद में मिलेगी 7वें दिन पे, तो उसमें वो 6 स्टार मेगा रन का टिकट हमें बचा के रखनी है और उसका इस्तेमाल हमें इमरजेंसी के कंडीशन में करना है। अब जैसे कि इसके पहले में मैंने वीडियो बना के बताया था, 6 स्टार मेगा रन के टिकट का इस्तेमाल हम लोग थैनोस, क्विक सिल्वर, ओडिन, वांडा, थैनोस की जो आर्मी है उस पर हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेंट्री, डॉक्टर स्ट्रेंज, बेटा रेबेल, उसके बाद में मिस्टर फंटास्टिक, वोल्वरिन, जेन ग्रे जैसे कैरेक्टर पे भी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो कैरेक्टर एक पहले से TL2 बोनस ओपन होकर मिलने वाले कैरेक्टर है जिनका 6 स्टार मेगा रन के टिकट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उनका किसी भी तरीके से कोई संबंध नहीं है। तो अब वो टिकट तुम्हें संभाल के रखनी है और उसको बिल्कुल भी ऐसी जगह पे इस्तेमाल नहीं करनी है जहाँ हमें नहीं करना चाहिए। एक सेकंड मैं यहाँ पर मैं गोसाडर सेलेक्ट कर देता हूँ ताकि वो अपना जलवा दिखा सके और मुझे समझ में आए कि गोसाडर की एबिलिटी काम कैसे कर रही है, मतलब ऑटोमेटिक प्ले में। एक मिनट, जस्ट वेट अ 1 सेकंड। स्टेज 1 का 1 ऑटो रिपीट, अभी कितने बार किया मैंने चैलेंजेस, थोड़ा एक मिनट जाके देख लेता हूँ। हट हट बाजू हट बाजू हट बाजू हट तीन बार और करना है, 3 बार और, तो मैं थोड़ा जाता हूँ उस साइड में और 3 बार करके आता हूँ। ठीक है, तो ऑटो प्ले पे छोड़ दिया, अब मैं बात करता हूँ 6 स्टार मेगा रन के टिकट की। देखो बात एकदम सिंपल सी है, 6 स्टार मेगा रन के टिकट का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी उसकी कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। हमें इवेंट में जो 2 स्टार का रैंकअप टिकट है, 2 स्टार का, 3 स्टार का, 4 स्टार का, 5 स्टार का और 6 स्टार का, वो हमें मिल रहा है फ्यूचर पास से 6 स्टार का, और कुछ इवेंट से 3 और 4 स्टार का मिल रहा है, और कुछ कुछ इवेंट में 5 स्टार का रैंकअप टिकट दिए जा रहे हैं तो कुछ उसमें नहीं दिए जा रहे। मेरे को नेट मार्बल के नियत पे थोड़ा शक है, हमेशा से मैं शक करते आऊँ और मेरा शक यकीन में बदलने के लिए उन लोगों ने पूरा अपना एफर्ट दिखाया है और वो सक्सेसफुल हुए भी है नेट मार्बल। तो यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि जब तक हमारे पास में नॉर्मल रैंकअप टिकट है तब तक हमें 6 स्टार मेगा रैंकअप टिकट कुछ ऐसे कैरेक्टर पे इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे एग्जांपल क्लिया, विक्टोरियस, कोलोसस, उसके बाद में फिलावेल जैसे कैरेक्टर्स पे इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम नॉर्मल रैंकअप टिकट का भी इस्तेमाल करके हम अपनी प्रॉब्लम को, जो चैलेंजेस है उसको कम्प्लीट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हमें 6 स्टार मेगा रैंकअप टिकट इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे कैरेक्टर पे। तो अभी तुम लोग को करना क्या है, तुम लोग को बस इतना करना है कि लॉगिंग करना है और जो तुम्हें 6 स्टार मेगा रन की टिकट मिलेगी उसको संभाल के रखना है, अरे गहरे नट्टू गहरे कैरेक्टर पे इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि मैंने अभी बहुत सारे लोगों की मिस्टेक्स देखी, मैंने बोला था एनहांस टिकट Level 3 का, Level 4 का संभाल के रखने के लिए, तो कुछ मंदबुद्धि लोगों ने इस्तेमाल कर दिया, तो ये होती है जल्दबाजी। उसके बाद में एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, इसके पहले मैंने बोला था
CTP ट्रांसेंडेंस एनर्जी अथॉरिटी रिजनरेशन रिफाइनमेंट डिस्ट्रक्शन, ये जो CTP है ये सही कैरेक्टर को देना। तो बहुत से लोगों ने क्या किया, एक छोटी सी गलती, एनर्जी किसी और को चढ़ा दिया, CTP ट्रांसेंडेंस डॉक्टर स्ट्रेंज को चढ़ा दिया, CTP एनर्जी निकाल के किसी और फालतू कैरेक्टर को चढ़ा दिया, मतलब इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स। तो ऐसी मिस्टेक्स को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि समय आने से पहले मैं अगर बाकी सब लोगों को अलर्ट कर दूँ, उस चीज़ के बारे में समझा दूँ, बता दूँ, तो कोई भी वो गलती नहीं करेगा। तो मैं वही जब से वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कृपया करके ऐसे कोई गलती ना करे जिसका पछतावा तुम्हें बाद में हो। तो तुम्हारे पास में जो भी रिवॉर्ड मिलेगा, जो भी रिवॉर्ड तुम कलेक्ट करते हो इवेंट से, लॉगिंग करने से या किसी भी चीज़ से, तो उसको सही चीज़ के लिए इस्तेमाल करो, ना कि अरे गहरे नट्टू गहरे कैरेक्टर पे इस्तेमाल करने के लिए। 6x11 के टिकट का इस्तेमाल किसी भी कैरेक्टर पे मत करना, कृपया करके इस साल तो मत करना। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, भाई ये 6x11 के टिकट वोल्वरिंग के इपिक कॉस्ट से मिल ही नहीं रहा है, उसका लोकेशन का जो मटेरियल है वो भी नहीं मिल रहा, तो अब करे तो करे क्या। तो मैंने इसलिए मैंने बोला, और मैंने कम्युनिटी टैब में 2-3 मीम बना के डाल दिए थे ताकि तुम लोग को हंसी भी आए लेकिन तुमको एक समझ में आ जाए कि वो टिकट की वैल्यू क्या है। अगर वो टिकट हमने वेस्ट कर दी या यूज़ कर लिया तो दोबारा से वो टिकट नहीं मिलेगी, उसके लिए पूरा एक साल हमें वेट करना पड़ेगा, और एक साल वेट करना यानी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, हमें ज़रूरत के टाइम पे वो टिकट मिलती नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा था कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम्हें नेट मार्बल की कसम है, तुम्हें वो गैम्बिट की कसम है, तुम्हें वो निक फ्यूरी की कसम है, तुम्हें वो कैप्टन मार्वल की कसम है, तुम्हें वो ड्रैक्स की कसम है, तुम्हें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की कसम है, तुम्हें वो 6x11 के टिकट इस्तेमाल नहीं करनी है, किसी भी कैरेक्टर पे यूज़ नहीं करनी है, तुम्हें उसे संभाल कर रखना है, ठीक है। घोसाडर साइक्लॉप जैसे कैरेक्टर फोकट में मिलने वाले कैरेक्टर है, इजीली हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं डिमेंशन मिशन से, डिमेंशन शॉप है वहाँ पर में दिया हुआ है, वहाँ से हम लोग उसके बायोमेट्रिक्स कलेक्ट कर सकते हैं, ला सकते हैं, इतना कोई बुरा एकदम चैलेंज नहीं है, बहुत सिंपल सा चैलेंज है। तो एकदम इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या उसका कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटे से चीज़ है। आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि 6x11 के टिकट रोज़ रोज़ नहीं मिलती, साल भर में एक बार मिली है, और ये जो टिकट है इस टिकट को हासिल करने के लिए लोग 10-10 हज़ार क्रिस्टल भरते हैं, स्पेंड करते हैं ताकि वो ये टिकट ला सके। तो तुम लोग ये गलती से अंडरस्टैंड कर लो, ये एक इंसिडेंस बोलो या कोई घटना बोलो जिससे तुमको सीख लेनी है कि वो टिकट का इस्तेमाल तुम्हें गलत कैरेक्टर पे नहीं करना है, ठीक है। तो ये टिकट का इस्तेमाल तुम लोग बिल्कुल भी मत करो, इसको संभाल के रखो। जैसे मैंने अपने इन्वेंटरी में एक 6x11 के टिकट को संभाल के रखा हुआ है, चाहे कितनी भी बड़ी मेरे सामने इकारी जैसा कैरेक्टर क्यों ना हो, मैंने उस पर इस्तेमाल नहीं किया, मैंने सब्र किया, मैंने पेशेंस रखा, मैंने धीरज रखा, जब तक उसका मुझे कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं मिल गया मैंने उसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। आज भी मेरे पास वो पड़ी है, मैंने इकारीस को नॉर्मल रैंक अप टिकट से रैंक अप किया है। पहले तो उसका 10 बायोमेट्रिक्स नेट मार्बल ने दिया, नेट मार्बल ने जो बायोमेट्रिक्स लग रहे थे हमें रैंक अप करने के लिए, उसकी प्राइस बायोमेट्रिक्स की क्वांटिटी आधी कर दी। आधी करने के बाद में काफ़ी अच्छे तरीके से 5 रैंक अप टिकट में हम किसी को भी रैंक अप कर सकते हैं, और 5 से ज़्यादा के तुम लोग उसको मल्टीपल करो तो 10, उसके बाद में फिर वो बढ़ते जाओ। तो उतने करने के बाद में हमें काफ़ी अच्छे तरीके से कैरेक्टर को रैंक अप करने का मौका मिल रहा है, और इवेंट से 2 स्टार के रैंक अप टिकट तक मिल रही है। फिर ऐसे में ऐसी गंदी जल्दबाजी करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो आराम से सोचो, ठंडे दिमाग से काम करो, जल्दबाजी मत करो। तुम्हारी एक छोटी सी जल्दबाजी पूरा खेल बिगाड़ देगी। यहाँ पर मैं CTP चेस को छोड़ दो, मेगा रंग टिकट को छोड़ दो, टाइटम बुक को छोड़ दो, CCF को छोड़ दो, ये रिफोर्ज वाले जो आइटम्स हैं उसको भी छोड़ दो, मल्टीलाइन जेम फ्रेगमेंट को छोड़ दो। तो यहाँ पर मैं जो इतनी सारी टिकट्स है, ये टिकट में 2 स्टार की रैंक अप टिकट दी गई है 50 टोकन में। तो इसका इस्तेमाल करना है तुम्हें कैरेक्टर को रैंक अप करने के लिए, चाहे वो प्रीमियम हो या एपिक क्वेस्ट के जो रेयर कैरेक्टर्स है जिनके बायोमेट्रिक्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं उन पर इस्तेमाल कर सकते हो चाहो तो, तुम्हें ज़रूरत होगी तो। लेकिन फोकट के कैरेक्टर पे इस्तेमाल नहीं करना, ये बहुत रेयर टिकट है, इतनी आसानी से नहीं मिल रही थी। सब लोग चिल्ला रहे थे, भाई 2 स्टार का रैंक अप टिकट मिलने का कोई तरीका बताओ, इसको हासिल करने का कोई ट्रिक बताओ। तो मैं यही बोल रहा था कि बूस्ट पॉइंट लगाओ, डिमेंशन मिशन में जाओ,
वहाँ पर मैं अगर लक लग गया तो मिल जाएगा। तो अभी जब हमारे पास में मौका है इवेंट से 2 स्टार रैंक अप टिकट लेने का, तो हम क्यों ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर रहे हैं कि 6 स्टार मेगा रैंक टिकट मिल जाएंगी तो मैं ये कैरेक्टर को रैंक अप कर दूंगा, मैं उस नेमोर पे यूज़ कर लूँगा, मैं निक फ्यूरी पे यूज़ करूँगा। ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकतें बंद करो, उसको संभाल के रखो, ठीक है। ये चीज़ मैं दोबारा नहीं समझाऊँगा, अभी हो गया, अभी इस पर जितना भी कॉन्ट्रोवर्सी करनी थी कर ली, अभी और नहीं। ये देखो मेरे पास में क्वांटिटी में पहले से मैंने एक जमा के रखा होता है इमरजेंसी के कंडीशन के लिए। अगर मेरे पास में कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें इसका मुझे इस्तेमाल करना पड़ा मजबूरी में 6 स्टार मेगा रैंक टिकट का, तो मैं यूज़ कर पाऊँगा अगर मुझे ऐसा लगा तो। तो यही चीज़ मैं तुम्हें समझाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। तुम सबको, चाहे न्यू प्लेयर्स हो, ओल्ड प्लेयर्स हो, कोई भी लेवल का, किसी भी लेवल का प्लेयर्स हो, उसको ये समझाने में कोशिश में लगा हुआ हूँ कि इसको संभाल के रखो, सीरियसली लो इसको। ये रेयर टिकट है, साल भर में एक बार मिलती है, और एक साल में एक टिकट मिलने का मतलब है वो टिकट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो नॉर्मल टिकट नहीं है कि जो अगले इवेंट में आ जाएगा, मिस कर दिया हमने या यूज़ कर लिया तो अगले इवेंट में और मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। बहुत रेयर टिकट है, इसको संभाल के रखो। यहाँ तक कि 2 स्टार के रैंक अप टिकट का भी सेम हालत है, ये इवेंट से इतनी जल्दी आसानी से नहीं मिलती। नेट नॉर्मल दे रहा है, इसका मतलब ये है कि आगे आने वाले इवेंट में वो नहीं देगा, इसलिए वो दे रहा है। तो हमें उसको संभाल के रखना चाहिए आगे के आने वाले फ्यूचर के लिए। आने वाले फ्यूचर में हमें इटर्नस जैसे बड़े बड़े लेवल के कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। अभी जस्ट इकारिस आया हुआ है, सरसी आई हुई है, बाकी और भी बड़े लेवल के इटर्नल सेंटिनल बचे हुए हैं। सेंटिनल बोलो तो वो सेलेस्टियल, वो भी बचे हैं। तो अभी हमें इस रैंक अप टिकट को और मेगा रैंक अप टिकट को बचा के रखना है, ना कि इस्तेमाल करना है। हमें उसे बचा के रखना है फ्यूचर के लिए। गेम का नाम है फ्यूचर फाइट, हमें भविष्य के लड़ाई के लिए तैयार होना है मेरे भाई। ये मजाक नहीं चल रहा है, समझ रहे हो मेरी बात? हल्का भी डायलॉग यूज़ किया मैंने, भावनाओं में थोड़ा बह गया था। तो ये सब चीज़ें मैंने बता दिया, समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब इसका बिल्कुल भी मिसयूज़ मत करना, ठीक है। और ये 10 टोकन मिले हैं इन्फिनिटी स्टोन से जैसे दिखने वाले ये टोकन्स, ये टोकन किसी काम का नहीं है, लल्ला टोकन है, तो इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। तो जाओ जाके कलेक्ट करो, और बिल्कुल भी छोटी सी, एक छोटी सी गलती पूरा खेल बिगाड़ देगी, तो डोंट यूज़। घर में रहे, सुरक्षित रहे, अपने आसपास पेड़ और पौधे को पानी दे, एंड पानी को बचाए, पानी ही जीवन है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें। और वीडियो नहीं दिखती है तो वीडियो लिस्ट ज़रूर चेक करें, एंड कीप सपोर्ट एंड शेयर प्लीज़।